Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. बात करते हैं फिल्म टोटल धमाल की, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म है। इस फिल्म की धमाकेदार शुरुआत हुई और वीकेंड पर भी उम्मीद से बेहतर इस फिल्म ने प्रदर्शन किया है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी इस फिल्म ने कुल 8.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ये धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म है। इस फिल्म का बजट करीब 90 से 100 करोड़ तक का बताया जा रहा है और इस फिल्म को अभी अपना बजट निकालने के लिए काफी दूरी को पार करना है। आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने शुक्रवार को 16.50 करोड़, सैटरडे को 20.40 करोड़ और संडे को 25.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इस फिल्म ने 62.40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अब बात करते हैं रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय की। इस फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं। ये फिल्म पांचवें दिन बजट निकाल कर कमाई की ओर बढ़ गई है। इस फिल्म का बजट करीब 75 करोड़ था। फिल्म के अब तक के कलेक्शन की बात करें तो पहले ही हफ्ते 100.30 करोड़ और दूसरे हफ्ते में अब तक 18.05 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। यानी कि गली बॉय अब तक कुल 118.35 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। गली बॉय और टोटल धमाल दोनों ही फिल्में अलग अलग जोनर की हैं। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही हैं। गली बॉय फिल्म एक रैपर की जिंदगी पर बेस्ड है, जबकि टोटल धमाल फुल ऑन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म की पूरी कहानी पैसों पर बेस्ड है। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो ठीक ही हैं, लेकिन टोटल धमाल अभी बजट निकालने से दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।